सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस व्हिच इज इरिगेशन। देखिए, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको सर्वाइव करने के लिए वाटर इज वेरी नेसेसरी सब्सटेंस, सो दैट प्लांट आर आल्सो नीडेड वाटर फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट अ रेगुलर इंटरवल। इरिगेशन इट इज द सप्लाइंग ऑफ वाटर टू crops at different intervals। आप देखिए students, जो crop को जो water supply है वो depend करता है on the variety of crop, on the variety of soil and the season। देखिए, crop to crop जो irrigation का जो requirement है वो vary करता है कि कौन सी crop को ज़्यादा पानी चाहिए, तो उसमें जो irrigation का जो मेथड है वो जल्दी जल्दी से मतलब रिपीट करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी इरिगेशन करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, सॉइल टू सॉइल, कि अगर किसी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसमें जो इरिगेशन है वो कम चाहिए, इसीलिए जो इंटरवल है वो थोड़ा बढ़ा दिया जाता है इरिगेशन का। उसके बाद है कि सीज़न टू सीज़न, कि अगर समर सीज़न है तो उसमें इरिगेशन पानी का जो अमाउंट है क्रॉप को ज़्यादा चाहिए, तो तब भी जो इंटरवल है वो जल्दी किया जाता है, जो वाटर सप्लाई का जो प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी किया जाता है क्रॉप्स के लिए अगर सीजन समर है। तो विंटर के केस में इवेपोरेशन कम होता है तो जो सप्लाइंग ऑफ वाटर है वो थोड़ा सा जो इंटरवल है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है कि थोड़े लंबे टाइम के बाद इरिगेशन किया जाता है। लेकिन अगर समर सीजन है तो उसमें इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए जो इरिगेशन है वो जल्दी जल्दी किया जाता है क्रॉप्स में। सो इट इज़ डिपेंड ऑन वेराइटी ऑफ क्रॉप, variety of soil and season। Next, the methods of irrigation। अब देखिए, ट्रेडिशनल मेथड में क्या किया जाता था कि पहले के टाइम में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी और ये सब आने से पहले तो वाटर सप्लाई कैसे किया जाता था कि जो सोर्स ऑफ वाटर इज कैनाल्स, वेल्स, ट्यूब वेल्स एक्सेट्रा, लेक, रिवर, तो उनसे पानी क्या है सप्लाई किया जाता था। वो कैसे किया जाता था कि देखो, पहले इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, तो उससे क्या है कि जो मैन्युअली ही पानी को निकाल के वेल से या ट्यूब वेल से तो फील्ड में सप्लाई किया जाता था। वो कैसे कि जैसे कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर उस वेल के ऊपर बांध दिया जाता है, उसके ऊपर इंटरवल्स मतलब थोड़े थोड़े स्पेस के साथ साथ वो मटके या बाल्टियाँ बांध दी जाती हैं, फिर उनको नीचे वेल में डाला जाता है और या तो कोई बैल या फिर ह्यूमन बींग ही खुद उनको खींचकर पानी निकालते हैं, और जैसे कैनाल्स के छोटे छोटे कैनाल्स बनाए जाते थे और उनके अंदर पानी डालकर वाटर को सप्लाई किया जाता था। ये तो था ट्रेडिशनल मेथड जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं आए थे। उसके बाद क्या है कि अब जो मॉडर्न मेथड में क्या है कि ट्यूबवेल्स आ गए हैं। ट्यूबवेल्स में भी क्या किया जाता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी मोटर है उसकी हेल्प से पानी को ऊपर पुलअप किया जाता है और उसके बाद कैनाल्स के थ्रू वाटर सप्लाई किया जाता है। अब जो मॉडर्न मेथड है उसमें क्या है, फर्स्ट वन इज स्प्रिंकलर। जो मेथड है उसमें क्या किया जाता है कि परपेंडिकुलर पाइप्स जो हैं मेन पाइप के साथ जॉइन की होती है और उनके साथ एक छोटी सी नोजल लगी होती है यहाँ पर, और वो नोजल क्या करती हैं कि जैसे जैसे पानी का प्रेशर आता है तो वो मूवेबल होती हैं, तो वो मूव करती हैं और वाटर को ऐसे स्प्रिंकल करती हैं जैसे कि बारिश आती है, इस तरीके से स्प्रिंकल करती हैं। तो जो स्प्रिंकलर मेथड है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है वहाँ पर जहाँ पर जो फील्ड है वो प्लेन जो है वो ऊपर नीचे है या एक जैसा प्लेन नहीं है, जो लेवल है फील्ड का वो एक जैसा नहीं है, वहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से ये वाला सिस्टम काम करता है। क्योंकि अगर वेल्स कैनाल्स के थ्रू छोटे छोटे
कैनाल्स के थ्रू अगर वाटर सप्लाई किया जाएगा तो लेवल इक्वल ना होने की वजह से कहीं पे पानी बहुत देर तक इकट्ठा रहेगा, कहीं पर रुकेगा ही नहीं, तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए जो स्प्रिंकलर सिस्टम है वो बहुत सही मेथड होता है। और दूसरा क्या है, इसमें वेस्टेज ऑफ वाटर कम होती है, क्योंकि ये क्या करता है, सिर्फ वाटर को स्प्रिंकल करता है, जो कि क्या है, लेकिन जो कैनाल सिस्टम है उसमें क्या किया जाता है, एक बल्क में वाटर जो है वो सप्लाई किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी होता है उसमें। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या जाता है, ये मेन पाइप के साथ परपेंडिकुलर पाइप्स लगाए जाते हैं इंटरवल्स पे, और उसके साथ साथ ये छोटी छोटी नोजल्स लगाए जाते हैं, जिससे वो क्या करते रहते हैं, सराउंडिंग, अपने अपने सराउंडिंग एरिया में जो है वाटर स्प्रिंकल किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि छोटे छोटे गार्डन्स और लॉन्स में लोग करते हैं आजकल, तो वहाँ पर क्या है, एक स्प्रिंकलर सिस्टम ही यूज़ किया जाता है वाटर सप्लाई करने के लिए। दूसरा मेथड स्प्रिंकलर के अलावा दूसरा है ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन इज अ मेथड इन विच वाटर इज सप्लाइड बाय ड्रॉप टू द रूट ऑफ द प्लांट। कि यहाँ पर क्या होता है कि जो पाइप्स हैं उसको छोटे एक मेन पाइप को, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई प्लांट है और इस प्लांट की जो रूट है यहाँ तक एक बहुत ही पतली सी जो पाइप है उसको यहाँ के इनकी रूट्स तक कनेक्ट किया जाता है, और रूट्स में ड्रॉप बाय ड्रॉप जो वाटर है वो सप्लाई होता है। इससे भी क्या है, वाटर सेविंग होती है, क्योंकि जो सराउंडिंग एरिया है बस रूट के पास ही वाटर को ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला जाता है, लेकिन जो बीच का जो एरिया बच जाता है वहाँ पर जो वाटर ये नहीं जाता है, तो वाटर सेविंग भी होता है इस मेथड से। तो ये क्या करता है, ये ड्रिप इरिगेशन में रूट के पास वाले एरिया में ही ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर सप्लाई किया जाता है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर सप्लाई किया जा रहा है। दिस इज़ द मॉडर्न मेथड एंड आल्सो इज़ अ वाटर कंजर्वेशन मेथड फॉर इरिगेशन, कि हम जो वाटर सप्लाई है वो प्रॉपरली प्लांट्स को कर भी सकते हैं, और दूसरा क्या है, वाटर का जो वेस्टेज है वो भी हम रोक सकते हैं। दिस इज़ द मॉडर्न मेथड ऑफ ड्रिप इरिगेशन, ये यूज़ किया जाता है प्लांटेशन वेरियस, जैसे कॉफ़ी प्लांट होती है, टी प्लांट है, जैसे फ्रूट्स वगैरह के जो गार्डन वगैरह हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है ये वाला सिस्टम। सो दिस इज़ इरीगेशन।